नमस्कार साथियों, अब आयुष्मान कार्ड बनना हुआ और भी आसान। दोस्तों अभी क्या है, आयुष्मान कार्ड का एक नया पोर्टल जारी हो चुका है, यानी लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। अब बिल्कुल आसान तरीके से आप अपना आयुष्मान बना सकते हैं, जिसके तहत आप किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी करा सकते हैं, ठीक है ना साथियों। तो इस गोल्डन कार्ड को आप किस तरीके से बनाएंगे, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना साथियों। और जी हाँ दोस्तों, और आप यहाँ से आप अपने जो श्रम जो आयुष्मान कार्ड आपने बनाए हैं वो आपके रिजेक्ट हुए हैं या पेंडिंग में हैं या अप्रूव हो चुके हैं, वो भी आप यहां से देख पाएंगे, ठीक है ना साथियों। और दोस्तों यहां पर और भी बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं, जैसे कि एड मेंबर, ठीक है ना, और यहां से EKYC, चेक स्टेटस, लिंक आधार, यहां से बहुत सारी न्यू पोर्टल से बहुत सारी सुविधाएँ इस बार इसमें ऐड की हुई हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से यहां से आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर beneficiary.gov.in करके NHA ये लिखकर आपको सर्च करना होगा अपने ब्राउज़र में। अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक है वो देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ही इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक पॉपअप यहाँ पर एक अलाउ हो जाता है लॉग इन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ठीक है ना साथियों, और उस पर एक OTP आएगी, OTP के थ्रू आप यहाँ पर लॉग इन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इतना काम कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आप अपना खुद से कर रहे हैं तो बेनिफिशरी, अगर किसी ऑपरेटर की ID से कर रहे हैं तो वो ऑपरेटर पर क्लिक करें, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर दिया और उसके बाद दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP है पहुँच जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसमें फिल करके लॉग इन हो जाते हैं हम। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ना अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटो फिल हमारा PMJAY फिल हो जाता है स्कीम हमारी, ठीक है ना। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम अपना जिस भी स्टेट से हम रहने वाले हैं उस स्टेट को एक बार सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा जहाँ पर जो स्कीम है वो ऑटोमेटिक PMJAY भर जाता है। उसके बाद आपको क्या है कि अपना डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सर्च बाई नेम, यानी कि आप अपने कार्ड बनाने के लिए किस तरीके से सर्च करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है, एक Family ID, ठीक है ना साथियों, Family ID जैसे कि एक राशन कार्ड होता है हमारा, ठीक है ना। या दोस्तों एक आपको प्रधानमंत्री की तरफ से एक आपको एक लेटर दिया गया होगा, ठीक है ना। तो उसमें एक HHD नंबर होता है, ठीक है ना साथियों, उसके थ्रू भी आप यहां से सर्च कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप अपना आधार कार्ड के द्वारा भी यहां पर अपना नाम सर्च कर सकते हैं और नाम के द्वारा भी यहां पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। और या आप अपने रूरल अर्बन के लोकेशन के द्वारा भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो आज क्या है, मैं नाम के थ्रू आपको अपना जो नाम है आयुष्मान कार्ड में है या नहीं वो चेक करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक किसी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कैंडिडेट का नाम लिख दिया और यहाँ पर उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जेंडर उसका क्या है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर उसका मेल यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा वैसे ही दोस्तों मेरे यहाँ पर नीचे को ऊपर को स्क्रॉल करूँगा मैं और नीचे को यहाँ पर उसके सारे नाम निकल कर आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसके नाम से आपको अपना आयुष्मान कार्ड चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन लोगों के दोस्तों जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पर अप्रूव दिखाई दे रहा है, इन लोगों का आयुष्मान कार्ड है वो बन चुका है। इन लोगों का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। या दोस्तों आपको अगर जिन लोगों का देखो यहाँ पर दे रहा है अनफाइडेड, तो यहाँ पर इनका मतलब अभी तक नहीं बना है, ये अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ से आप नॉट जनरेटेड दे रहा है, यानी अभी इनका आयुष्मान कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना आयुष्मान कार्ड
डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से अपना नया भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस पेज को दोस्तों या चाहो आप कि हम इसे सेव करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देता है, इस लिस्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में करना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया और पीडीएफ जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होकर आ चुकी है सारे आयुष्मान कार्ड लिस्टों की, ठीक है ना साथियों। तो इस तरीके से हम अपना पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा ये पेज है इसका व्यू भी चेंज करके देख सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे सेकंड वाले पे, तो जैसे कि मैंने इसको इस पर सेलेक्ट कर दिया और हमारा ये इस प्रकार से जो हमारा पेज है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना साथियों। और यहाँ पर आपको एक फैमिली आईडी भी दिखाई देती है, ठीक है ना, 097 से शुरू होती है जो हमारी फैमिली आईडी, उस वो भी आपको दिखाई जाती है यहाँ पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर वीडियो में डालें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और नया भी बना सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।